नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की लगातार जो है तीसरे बार जो है सपा का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, यानी एक ही पद पर उनकी तीसरे बार जो है ताजपोशी की जा रही है। लगातार सपा पर जिस तरीके से परिवारवाद का आरोप लग रहा है उसको लेकर के जो है अब उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। देखिए, इस पर जो है अब राजा भैया का भी बयान आ गया। जी हाँ, राजा भैया ने जो है यहाँ पर अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देते हुए जो है चुटकी ली है। जी हाँ, चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव के बारे में राजा भैया ने कहा कि एक ही व्यक्ति की एक पद पर कितने बार ताजपोशी का जश्न जो है वो सपा मनाएगी। बता दें कि पिछले जो प्रतापगढ़ में जो है राजा भैया के दूर विरोधी सपा के गुलशन यादव माने जाते हैं, और बीते दिनों डेढ़ दर्जन से भी जो ज्यादा कार्यकर्ता हैं वो सपा में प्रतापगढ़ में शामिल हो गए, जिसको लेकर के राजा भैया का गुस्सा जो है वो लगातार जो है फूट रहा है। इस वजह से देखिए अब यहाँ उत्तर प्रदेश में सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्माई हुई है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अब राजा भैया ने जो इस तरीके का बयान दिया है इसको लेकर अखिलेश यादव इन बयानों को कैसे मायने लगाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन। धन्यवाद।